जो संस्था के संचालक है श्री राजेंद्र सिंह जी हैं, उनका जन्म 1954 में सॉरी 1964 में मेरठ के पास एक डोला गांव में वहां पे हुआ था। उनकी जो पढ़ाई लिखाई जो हुई वो एक MBBS डॉक्टर थे, लेकिन MBBS डॉक्टर के साथ साथ में वो उस कॉलेज के अध्यक्ष रहे। उसी बीच में जो एम्स मेडिकल है दिल्ली में, वहाँ के जो एक अध्यक्ष थे उनसे उनकी दोस्ती हुई, तो वो गांव में सार्वजनिक काम में ज़्यादा रुचि लेते थे, तो कैंप वगैरह लगाते थे, जैसे कि तपेदिक था, उस समय तपेदिक का ज़्यादा चलता था। इसी बीच में नेहरू का केंद्र जयपुर में उनकी भारत सरकार में नौकरी लग गई। उस तो नेहरू का केंद्र के जो सचिव थे वो कृष्णवीर द्रोण थे, तो इनकी शुरू से ही काम सार्वजनिक काम में बहुत रुचि थी, तो युवाओं के साथ काम करते थे, खेल कूद उछल लंबी कूद वो सब उनमें रुचि रखते थे। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जो नेहरू केंद्र के सचिव थे कृष्णवीर द्रोण, वो उनके काम से बहुत प्रभावित हुए। ये संस्था जो रजिस्ट्रेशन कराया था कृष्णवीर द्रोण ने कराया था 1974 में। क्यों कराया था? वो इसलिए कराया था कि यूनिवर्सिटी में बैठे लड़के और लड़कियां बैठे थे पुस्तकालय में, और कुछ आदत होती है लड़कों की बीड़ी पी के सिगरेट डाल देना, तो कारपेट था, कारपेट में आग लग गई। कारपेट पर आग लगने से जो साइड में झुग्गी झोपड़ियाँ थी कैंपस के पास, 51 झुग्गी झोपड़ियाँ जलकर राख हो गई थी। जब राख हो गई तो लड़कों ने सोचा कि भाई हमारी वजह से, हमारी गलती वजह से इन 51 लोगों की, गरीबों की झोपड़ी जली है, हमें कुछ करना चाहिए। तो यूनिवर्सिटी के लड़कों और लड़कियों ने चंदा इकट्ठा किया, तो उनको टीन सेट बना के दे दिया। फिर ये आग भाई, ये जो रजिस्ट्रेशन, ये काम हमें ऐसा काम करना चाहिए कि भाई एक संस्था बना लेनी चाहिए, संस्था का एक गठन बना लेना चाहिए। तो फिर नामकरण पर चिंता हुई कि हमें किस नाम से संगठन बनाना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पूरे भारत के जो हैं युवा पढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा गठन का नाम हमें ऐसा देना चाहिए जिसमें पूरे भारत के लोगों का एक गठन आ जाए, तो इसलिए इसका नाम तरुण भारत, तरुण तरुण माने जवान, युवा, क्योंकि सब युवा पीढ़ी में होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए इसका नाम तरुण। फिर भारत, पूरे भारत के लोग उसमें पढ़ते हैं। फिर संघ गठन, पूरे युवा, पूरे भारत के युवाओं का गठन, यानी कि तरुण भारत संघ इसका नाम दिया गया। यूनिवर्सिटी में आग लगने के बाद रजिस्ट्रेशन हो गया, तो फिर इसको 10 साल फाइलों को बंद करके बक्से में बंद रही। तो 1984 में जब सिंह साहब के काम से कृष्णवीर खुश रहे, तो उन्होंने कहा भाई ये फाइल हम आपको देना चाहते हैं, और इस फाइल का नाम आप मत डबोना। उस समय हमारे भाई साहब को भी मालूम नहीं था कि वो संस्था होती क्या है, इस फाइल के अंदर क्या है। उन्होंने लेते समय ये कहा कि जो मेरे पास आपने ये फाइल दी है, कुछ भी है, मैं इसका नाम नहीं डबाऊंगा, और पूरे वर्ल्ड में इसका नाम मैं फेमस करूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, और उस फाइल को लेके चल दी। तो तुरंत उन्होंने, 5 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दिया। एक तो राजेंद्र सिंह थे, एक नरेंद्र थे, एक हनुमान श्रीमाल केदार थे, इस तरह से 5 लोग थे। और हमारे साहब ने तुरंत जो उनके पास सामान था, उस सारे सामान को बेच के, जयपुर में रहते थे, उन्होंने सारा सामान बेचा और बेच के वो वहाँ से चल दिए। जयपुर से एक बस आती थी, एक बस पास में किशोरी गांव में, वहाँ आकर रुकती थी। तो रात को 5 लोग वहाँ से बैठे, कंडक्टर ने पूछा कहाँ जाओगे, तो उन्होंने कहा कि भाई जहाँ भी आपकी बस जाकर रुकती हो वहाँ हमें आप छोड़ दीजिएगा। तो किशोरी पास में रुकती थी, उस समय इंदिरा गांधी मरी थी, तो पंजाब हरियाणा में बड़ा आतंक था। तो यहाँ के लोगों ने सोचा, क्योंकि उस समय उम्र 25 साल की रही, 26 साल की रही, किसी के दाढ़ी आ रही थी, 5 लड़के जवान थे, उन्होंने सोचा कि भाई ये तो आतंकी, पंजाब से आतंकी भाग आए हैं और हमारे यहाँ महिलाओं को, लड़कियों को उठा के ले जाएंगे, तो इनको यहाँ नहीं रहने देना। तो लोगों ने, गांव के लोगों ने घेराव दे दिया। फिर एक जो युवा थे, उन युवाओं ने कहा कि भाई हम तुम्हें नहीं रहने देंगे। तो वहीं पे एक बुजुर्ग आए,
तो जब मैंने कहा भाई क्यों तंग कर रहे हो, अब ये जवान लड़के हैं हमें अपने गांव में नहीं रहने देंगे रात को। उन्होंने कहा भाई रात रात हमें रह जाने दो, हम सुबह चले जाएंगे। तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि भाई आज का जो इनका सामान है अंदर कमरे में बंद कर दो, हनुमान जी का मंदिर था उसमें कमरे में सामान बंद कर दिया और इनकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो पांचों आदमी वहां पर रहे। सुबह फिर एक पास में सूरतगढ़ गांव में, उनका नाम था सुमेर सिंह, तो इस इलाके में वो ही एक हेडमास्टर थे। वो 15 किलोमीटर साइकिल से पढ़ाने के लिए अजबगढ़ जाते थे, हेडमास्टर थे, तो उधर से साइकिल से आ रहे थे। तब उन्होंने भीड़ को देखा, भीड़ को देख कर वो कहने लगे भाई भीड़ कैसी लगी। अक्साहब ये पांच लोग आए हैं पंजाब से भाग आए हैं, ये हमारे गांव में आतंक मचाएंगे। तो उन्होंने जो पढ़े लिखे थे, उस समय कोई पढ़ा लिखा यहाँ था नहीं, उन्होंने उनकी बात को समझा, समझ के और पास में भीकमपुरा गांव में उनको रहने के लिए सेठों की हवेली दे दी, उसमें रहना शुरू किया। तो पांचों लड़कों ने पास में पांच गांव थे, एक तो रायपुरा, बहाल, गोपालपुरा और गोविंदपुरा और जैतपुरा। उस समय इन पांचों गांव में स्कूल नहीं थे और यहां बिल्कुल सूखा था। तो उन्होंने पांचों गांव में स्कूल चलाना शुरू किया। अब सब पांचों के अलग अलग ज्ञान थे, कोई डॉक्टर था, कोई मास्टर था, कोई वकील था, कोई सीए था, सबके अलग ज्ञान थे। अब पढ़ाते रहे पांचों स्कूल में। तो हमारे जो साहब हैं वो गोपालपुरा में पढ़ाते थे, जिस गोपालपुरा के मैं बारे में आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। ये जो है गोपालपुरा का मैप है। गोपालपुरा में एक बूढ़े जवान, बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे हमारे साहब पूछते हैं कि मैं यहाँ 6 महीने से आपके गांव में आ रहा हूँ लेकिन कोई भी लोग मेरे पास आके बैठता नहीं है, मैं दवाई दे रहा हूँ, फ्री में दवाई दे रहा हूँ, पर्ची लिख देता हूँ, मैं पैसा भी नहीं लेता हूँ। तो रतौंधी रोग था उस बुजुर्ग को। उसने कहा कि ये जो पढ़े लिखे हैं बातों का भात खाते हैं, काम दाम कुछ नहीं करते, हमारे गाँव को लूटते हैं। तो हमारे साहब तो बहुत सहनशील थे, उन्होंने बैठ के कहा कि बाबा मैं क्या करूँ। अरे तू ये देख, हमारे पास पैसा होगा तो हम पढ़ाई भी कर लेंगे और दवाई भी ले लेंगे, जब हमारे पास पैसा ही नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, अब तो पैसा कैसे होगा। सुन मेरी बात, अगर थे काम करना चावच है तो यहाँ पानी का काम कर। अब बाबा मेरे पे तो पानी नहीं है, पानी का काम करना ही नहीं आता, मैं तो डॉक्टर हूँ, मेरी पढ़ाई लिखाई तो डॉक्टरेट में हुई है, तो मेरे पे तो ये काम करना नहीं आता है। अब हम तुम्हें सिखाएंगे, कल आना तो गैती पराती और फावड़ा लेके आना। तो वो सुबह गए, अपने रात को साथियों से पूछा भाई हमारे एक बुजुर्ग ने बुलाया है, अगर हम पढ़े लिखे आदमी हो के क्या गैती पराती फावड़ा चलाएंगे। तो वो अगले दिन दो आदमी वापस चले गए, जो पांच आए थे ना 6 महीने के बाद दो आदमी वापस चले गए। हमारे साहब ने कहा कि भाई मैं तो काम करूँगा, मुझे तो करना है। तो वो गाँव में जाने के बाद वहाँ कुएँ थे, ये कुएँ सब कुएँ सूखे थे सब। तो जो मांगूलाल पटेल थे, जो आज हमारी इस साहब के गुरु हैं और इस पानी की जानकारी देने वाले भी गुरु हैं हमारे, मांगूलाल पटेल, ज्ञान पढ़े हुए के पास में ही नहीं होता लेकिन जो आज की नौजवान पीढ़ी है वो बुजुर्गों के पास बैठती नहीं है, सोचती है कि से कुछ पढ़ा ही नहीं क्योंकि अपने मोबाइल पर बिजी रहती है। वो 24 घंटे में से 12 घंटे मोबाइल पर बिताती है, 8 घंटे सोने में बिताती है, 4 घंटे वो इतने बिते की बात पर बिताती है। आज बुजुर्गों की बताई हुई बात के अनुसार हमारे साहब की जिंदगी बदली, वो कैसे बदली। ये एक चबूतरे वाला तालाब है, अब इस पे उन्होंने काम करना शुरू किया। उन्होंने बताया बुजुर्ग ने, अब भाई तुम काम करो, तो उन्होंने 4 महीने तक गैती पराती फावड़े से काम किया। कुछ लोग तो उनके साथ काम करने के लिए लग जाते, कुछ लोग गाली दे के चले जाते, कुछ कहते साला पागल है, अरे कहाँ का आदमी कहाँ आके काम कर रहा है। तो इसलिए फिर बरसात हुई, इसके बाद ये तालाब बना, ये बना, ये मेव वाला तालाब है, ये बीच वाला तालाब है। जब ये तालाब बने, बरसात होने से भर गए, तो ये जो कुएं हैं, ये देख रहे हैं ना काले आप, इन कुओं में पानी आ गया। जब इन कुओं में पानी ऊपर तक आ गया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि हमारे गांव में गंगा उमंग आई है, गंगा। तो उन्होंने एक पार्टी करते ना, जैसे आप पार्टी करते हैं,
तो उन्होंने जितने रिश्तेदार के रिश्तेदार को बुलाया और बुला के फिर अपने गांव में पार्टी करी। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इन कुओं में पानी कैसे आया। उन्होंने तो यही है कि धारा जो फूट के निकली है तो हमारे गांव में गंगा उमग आई है, हाँ अब यहाँ धर्म करना चाहिए, ऐसा सोचते ना। तो ये गोपालपुरा गांव है जो आप देख रहे हैं, ये एक पहाड़ी है, इधर सरिस्का सेंचुरी है, ये इसके इधर की तरफ सरिस्का सेंचुरी है। ये एक छोटी सी पहाड़ी है, जिस तरह ये नक्शा आप देख रहे हैं इसका पूरा ढलान जो है इस तरह से ये। इस गांव में 21 स्ट्रक्चर है ये इस तरह के, ये और 36 कुएं हैं ये। तो हमारी संस्था का मूल मंत्र है, जहां पानी दौड़ता हो उसको चलना सिखा दें, मतलब बहुत तेजी से दौड़ रहा तो उसको चलना सिखा दें, जब वो चलने लगे तो धीरे धीरे रेंगना सिखा दें, जब वो रेंगने लगे तो इस धरती माँ के पेट में बैठा दें, जब बुरे वक्त आए मर्यादित होकर उसको निकालकर अपनी प्यास बुझा लें। तो जब पानी यहाँ से दौड़ा, दौड़ के यहाँ रोका हमने, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ रोका, फिर यहाँ, इस तरह से रोकते हुए पूरा पानी फिर एक ही रास्ते से इधर निकलता है। इसका मतलब हुआ कि पूरा पानी इस गांव का इसमें चला गया। आज की तारीख में इस गांव में कोई भी बोरिंग नहीं है, सब लोग कुएं से पानी ले रहे हैं, जबकि बरसात की बहुत कमी आ गई है। क्यों ले रहे हैं कि इस गांव का पूरा पानी जो भी बरसता है वो जमीन के अंदर जाता है, और जमीन के अंदर जाता है तो हमारे कुओं में आता है। कोई जमीन के अंदर कोई फैक्ट्री नहीं है, पानी बनाने की फैक्ट्री नहीं है जिससे हम पानी बना सकते हैं। अब ये पानी बह के जाता है नदी में, पहले तो नालों में जाता है, फिर छोटी छोटी नदी में जाता है, फिर बड़ी नदी में जाता है, बड़ी नदी से फिर वो सागर में जाता है, फिर सागर में जब गर्मी होती है तो फिर वो भाप बनती है, भाप बन के फिर वो फिर यहीं वापस यहाँ आता है। ये एक इसका चक्र है। समुद्रों में जाके खारा पानी हो जाता है, और जब वो खारा पानी भाप बनकर वो मीठा पानी आके बादल हमारे गांव में बरसते हैं। तो इसलिए इस गांव ने पूरा पानी अपना अपने गांव में ही रोक लिया, उसको बहने नहीं जाने दे रहे, यानी पहले पूरा पानी बह के यूँ निकल जाता था। पहले बाजरे की फसल नहीं होती थी, आज वो तीन तीन सब्जी करते हैं, रवि खरीफ जायद। जायद की फसल में वो भिंडी उगाते हैं, टमाटर बैंगन गोभी, और यहाँ से ट्रक भर के जो जाते हैं वो दिल्ली में यहीं की सब्जी जाते हैं। एक एक आदमी हरा धनिया, एक एक आदमी जो है डेढ़ डेढ़ लाख रुपये दो दो महीने में कमा लेता है। आज इस गांव में पानी की तादाद है, ये गोपालपुरा गांव में पहला गांव है। तो पानी के बारे में समझा, कैसे धरती माँ के अंदर पानी मिलेगा अपने को, भाई पानी संचयन जो बहता है, फिलो पानी है उसे दिशा दी है। आओ देखो आगे बताते हैं आपको, ये भी राहुल नर्सरी लगा रहे हैं, इसको हम काली पन्नी में क्यों कवर करते हैं? अब इसका सेंस तुम बता सकते हैं, क्यों करते हैं काली में क्यों लगाते हैं? मुझे जानकारी नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूँ। जैसा इसका धरती का भी रंग इसी तरह का होता है, इसका रंग भी ऐसा ही होता है, तो इसका रंग आपस में मिल जाता है और फिर ये सस्ती भी आती है और पॉलीमर के मुकाबले। हाँ ये तिरपाली तो होती है, ये हमारे इसमें खरगोश का शेड था, लेकिन खरगोश का शेड के साथ साथ अब खरगोश तो हमारे मर गए, लेकिन हमने क्या इसको नर्सरी बना ली है, और इसमें छोटी छोटी पौध उगा के तैयार कर रहे हैं। ये टमाटर की है, वो बैंगन की पौध, ये प्रयोग के लिए हमने यहाँ पे यहाँ की ज़मीन में प्रयोग करके हम देख रहे थे कि यहाँ पपीता हो सकता है नहीं हो सकता, तो लेकिन पपीता इसलिए नहीं हो रहा है कि यहाँ ज़मीन में इसमें मिट्टी नहीं है नीचे, तो पपीता असफल हो गया है।
इस पर काम चल रहा है अभी, अभी इस पर शोध चल रहा है, अभी कहीं दूसरी जगह के लगा के देख रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यहाँ क्या बोल रखा है डॉगी? ये हमारे कुत्तों का शेड है, ये इसका नाम बिला है, उसका जेम्स है। उनका परिचय कराओ। आप हैं गोपाल जी, मेरे सीनियर हैं, और गोपाल जी जो हैं यहाँ के चीफ इंजीनियर हैं। अच्छा। जितना भी साइट सिलेक्शन से लेके उसका डिजाइनिंग है, बजट है और उसका मेजरमेंट है, सब आप करते हैं। साइट का जितना भी काम को आप देखते हैं, हम लोगों को दिशा निर्देश देते हैं। आप गोपाल जी हैं, आओ आगे। ये हमारी छोटी रसोई है, ये मैस है। हाँ, ये हमारा मैस है। सेल्फ सर्विस, लाइट जलाए। ये छोटी सी रसोई हमारा डाइनिंग हॉल है। खाना भर के यहाँ पे हमको खाना हो जाता है, तो यहाँ हम लोग रख देते हैं, फिर लोग अपने आप देखे खाना खा लेते हैं। भोजन करने के बाद थालियाँ हैं, खाना खाने से पहले थाली यहाँ स्वयं भी धो लेते हैं, फिर खाना खाने के बाद वो धोते हैं। इसके बारे में अभी हमारे तो वो बताएंगे राहुल। आगे बाहर चलते।